झुंझुनू के खेतड़ी में एक साथ चार कोरोना पॉजिटिव केस सामने आने के बाद कर्फ्यू लगा दिया गया है। शहर में कर्फ्यू लगाने के बाद पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाते और कर्फ्यू का अनाउंस करते हुए मार्केट पहुंची तो व्यापारी भी सकपका गए और जल्दी जल्दी सामान समेटते हुए दुकान बंद कर घर के लिए निकल गए। इसी दौरान वीडियो जमकर वायरल हो रहे हैं। वहीं कर्फ्यू लगाने के बाद SDM शिवपाल जाट और DSP अयूब ने पुलिस टीम के साथ कस्बे का दौरा किया। उन्होंने बताया कि चार पॉजिटिव केस जो मिले हैं उनके घर के आसपास 15 पॉइंट बनाकर अतिरिक्त जाप्ता तैनात किया गया है। कस्बे में आगामी आदेशों तक कोई भी मूवमेंट नहीं होगा। बहुत ही कोई इमरजेंसी आवश्यक हो तो सबके पास नंबर है, वो किसी को भी कॉल करें कि साहब किसी को मेडिकल प्रॉब्लम हो गई या कोई और होगी, बहुत ज्यादा इमरजेंसी हो गई हो तो वो कॉल करें, उसकी हम पूरी हेल्प करने के लिए तत्पर हैं। किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने देंगे, लेकिन वो घरों से बाहर नहीं निकले और अपने घर में सावधान रखें। हमें दो दिन के इस कर्फ्यू में हम उनसे सबसे माफी चाहेंगे कि कर्फ्यू में वो भी हमारे आदेशों निर्देशों की पालना करें, सहयोग करें। दो दिन के कर्फ्यू में नहीं करें, बाद में उनको आराम से शुरू करवा दें। अभी सुबह जो रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से चार आदमी खेतड़ी के पॉजिटिव पाए गए हैं। वो जो चारों आदमी हैं, सबसे पहला स्टेप तो पुलिस के हिसाब से हमने ये लिया कि आज से यहाँ कर्फ्यू लागू हो गया है। जितनी भी दुकानें थी सबको, बाजार को कंप्लीट रूप से हमने बंद करा दिया है, सिर्फ मेडिकल की एक्सेप्शनल उनको छोड़ करके बाकी सारा बाजार बंद करा दिया है। इसके अलावा इन चारों के जो घर हैं उनके आसपास के जितने भी पॉइंट्स हैं, लगभग हमने 15 पॉइंट तय किए हैं। उन 15 पॉइंटों पे अभी जाप्ता हमने लगाना शुरू कर दिया है। कुछ पॉइंटों पे जो घर के सामने पॉइंट है उन पे हमने जाप्ता लगा दिया है और